सबसे पहले तो हमें सेशन में प्लीज बताइए कि ऐसा माना जा रहा है कि COVID-19 की जो सेकेंड वेव है वो बच्चों में ज्यादा इफेक्ट कर रही है, सो इज इट ट्रू? नहीं, इसमें इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, आई विल से तो फर्स्ट वेव में भी बेबीज वेर गेटिंग इन्वॉल्व और अफेक्टेड, एंड इस वेव में भी बच्चों को हो रहा है. द थिंग इज दैट की इन दिस वेव इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, सो वी आर गेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ केसेस बोथ इन एडल्ट एंड चिल्ड्रेन. एंड अभी रिसेंटली एक ICMR का निकला डाटा जिसमें कि देखा जा रहा है कि रफली अराउंड 5-6% ऑफ द ऑल टेस्टेड पॉजिटिव्स आर चिल्ड्रेन लेस देन 18, जो कि फर्स्ट वेव में भी सेम 4.5-5% थे. सो बेबीज आर मोर अफेक्टेड बिकॉज ओवरऑल द नंबर ऑफ पर्सन कैचिंग इन्फेक्शन इज मोर. जी जी ठीक है सर. तो सर COVID-19 बच्चों में कैसे इफेक्ट करता है? हाँ, उनका देखो COVID-19 एक तरह का वायरस ही है जैसे आपको सब पता है, और नॉर्मली जब वायरल इन्फेक्शन के तरह है, बच्चों में जैसे फीवर होगा, सोर थ्रोट, गले में दर्द या गले में खिच इरिटेशन होना, खांसी होना, जुकाम, नाक बहना, नाक ब्लॉक लगना, और किसी किसी बच्चों को लूज मोशन, पेट दर्द, उल्टी, ये सब भी होते हैं. जी सर, तो इट्स लाइक नॉर्मल जो नॉर्मल वायरल इलनेस हम कहते हैं, सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. जी सर, तो सर किस एज ग्रुप में ज्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है? क्या न्यूबॉर्न्स में भी इफेक्ट कर रही है ये चीज? यस, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप अफेक्टेड है या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं हो रही है. थ्रू आउट द एज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूबॉर्न्स टू ओल्ड एज सबको बराबर हो रही है. बट यस, देखा गया कि जो न्यूबॉर्न्स पीरियड में है उनमें ज़्यादा सीवियरिटी होने का चांसेस रहता है. एंड देखा जाएगा तो 1 month से लेके 18 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उनमें सीवियरिटी कम हो रही है. सो द गुड पार्ट ऑफ कोविड इन चिल्ड्रन इज दैट मेजोरिटी विल हैव माइल्ड सिम्टम्स. द परसेंटेज ऑफ बेबीज विथ सीवियर सिम्टम्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आर इन द रेंज ऑफ 2-3%. जी सर. सर जो नई सेकेंड वेव आई है कोविड की, क्या उसमें कुछ नए सिम्टम्स हैं जो बच्चों में देखे जा रहे हैं या पुराने वाले ही बच्चों में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं? सेम सिम्टम्स है विथ धीरे धीरे जैसे न्यू अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो मे बी कुछ सिम्टम्स नए हैं, जैसे हम इवन बच्चों में भी लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट वो देखा जा रहा है. प्राइमरी जो बिगर बेबीज हैं दे आर एबल टू टेल, वो बता पा रहे. छोटे बच्चे कभी कभी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें सिंपली दे पुअर फीडिंग होगा, वो खाना पीना नहीं खाएंगे, सुस्त रहेंगे, लेथार्जिक हैं. सो दीज आर कैन बी ए साइंस ऑफ कोविड. सो नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनमें कभी कभी सिंपली पुअर फीडिंग, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, ये सब हो रहती है. जी सर, तो सर COVID-19 को बच्चों में कैसे मैनेज करना है? देखो ये सबसे बड़ी मुद्दा है, और अभी जिस रेट से जो ये सेकेंड पैंडेमिक फैल रहा है तो देखा लग रहा है कि सबको ग्रेजुअली होएगा. सो वी शुड बी एबल टू मैनेज, वी शुड नो हाउ टू मैनेज इट. सो फर्स्ट चीज़ जो अच्छी बात, जो ये बात मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि बच्चों में चिल्ड्रेन ज़्यादातर माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होती है. सो पैनिक करने की बात नहीं है. ओनली इन 2-3% ऑफ बेबीज में बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड हमें वो साइंस, डेंजर साइंस जो है या रेड फ्लैग साइंस है उसको हमें मॉनिटर करना है. एंड जैसे वो सब चीज़ें प्रेजेंट हो रहे हैं तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में हमें लेके जानी है. मेजोरिटी जो मैंने बोला कि 50-60% बच्चों में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब उनको कोई सिम्टम्स ना, कुछ भी नहीं होगा. और ज़्यादातर बच्चों में जो माइल्ड सिम्टम्स कैटेगरी जो मैं बोला, फीवर है, कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, लूज मोशन है, हमें उन सबको सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है. सिम्टोमेटिकली मतलब जो सिम्टम्स है उसी का ट्रीटमेंट देंगे. लेट्स से जो मोस्ट कॉमन सिम्टम फीवर होगा तो फीवर के लिए पैरासीटामोल का जो हम सिरप बोलते हैं या सिरप पैरासीटामोल शुड बी गिवन, एंड जब भी फीवर है उसको आप मेडिसिन देके उसको फीवर को कम करना है. और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें हाइड्रेशन, बच्चे का हाइड्रेशन मतलब उसका खाना पीना ध्यान रखना है. बच्चा जितना वेल हाइड्रेटेड रहेगा
उतना सीवियर सिम्टम्स, उतना सीवियरिटी होने का चांसेस कम रहेगा, बच्चा जल्दी उसको फाइट कर पाएगा। तो मेडिसिन में प्राइमरी देखो पैरासीटामोल का रोल है, एंड समटाइम्स जैसे साथ में सर्दी जुकाम है, नोज ब्लॉक हो रहा है, तो सिंपल जो सैलाइन ड्रॉप्स, नेजल सैलाइन ड्रॉप्स कैन बी पुट इन द नोज टू क्लियर द नोज। समटाइम्स बच्चों को गला खराब है तो बिगर बेबीज कैन गर्गल, बेसिकली वार्म वाटर दे कैन गर्गल, दे कैन हैव वार्म सूप एंड वार्म मिल्क टू सूथ द बेसिकली थ्रोट। समटाइम्स दे कैन टेक स्टीम ऑल्सो, बट स्टीम में ये ध्यान रखना है कि पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट बहुत जरूरी है, उनको अंडर अपने मॉनिटरिंग में अपने साथ आप स्टीम उनको दे सकते हैं। जो बात आ रही है, समटाइम्स हम कुछ कुछ जो मेडिसिन बड़ों में ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है, जैसे मान लो एजिथ्रोमाइसिन, कभी एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है, कभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके एक मेडिसिन से, आइवरमेक्टिन करके कोई मेडिसिन से, ये सब मेडिसिन का रोल नहीं है। तो बच्चों में ये सब मेडिसिन का बोथ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में नहीं है। इन जनरली बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन का भी रोल नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू गिव सम मल्टीविटामिन यू कैन गिव, लाइक जिंक थोड़ा जैसे बोल रहे हैं हम, जिंक 10 to 20 मिलीग्राम जिंक बोला जा रहा है, विटामिन सी लेना चाहे दे सकते हैं, मल्टीविटामिन टॉनिक कुछ देना चाहे दे सकते हैं, बट इसके अलावा अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है, जो कि हमें समझने वाली बात है, या फिर कोई देसी मेडिसिन का मैं बोलूँगा वो सबका नुकसान हो सकता है। इधर उधर से मेडिसिन नहीं देनी है, प्राइमरली फीवर का फोकस करनी है और उसको ट्रीटमेंट करनी है। एंड जो सेकेंड मेन मुद्दा, हमें इसका जो हमें क्या क्या चीज़ों को साइंस को वॉच करना है, बेसिकली कब हम बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं, तो ये सब चीज़ें हो रहा है। देखो हमें देर आर 4 or 5 थिंग्स आई विल से। एक तो है कि फीवर, अगर हाई ग्रेड फीवर 4 or 5 डेज, मोर देन 3 डेज हो रहा है, बेसिकली नॉर्मली 2 or 3 डेज तक फीवर उतर जाएंगे, अगर 4th day or 5th day भी फीवर हो रही है, दैट मीन्स वी नीड टू डायग्नोज द चाइल्ड। कोई ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस तो नहीं है, बच्चे को ऑल्टरनेटिव कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, द बेबी माइट नीड हॉस्पिटल। सेकेंड हम बोल रहे हैं कि बच्चे का फास्ट ब्रीदिंग, बच्चे को सांस तेज लेना, सांस तेज ले रहा है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, जो उसका सेकेंड लाइन है। नॉर्मली वो कितना से तेज को तेज मानते हैं, एक बच्चों का मतलब एज वाइज कट ऑफ है, तो नॉर्मली जैसे एडल्ट्स में हम जैसे बोल रहे हैं कि 24 ब्रेथ्स पर मिनट होना चाहिए, तो उसको हम फास्ट ब्रीदिंग लेते हैं। बच्चों में उनका एक एज कट ऑफ क्राइटेरिया है कि लेस देन 2 months में अप टू 60 ब्रेथ्स नॉर्मल होती है पर मिनट, एंड टू मंथ्स टू वन ईयर के बीच में अप टू 50 इज नॉर्मल, मोर देन 50 इज अब नॉर्मल, 1 to 5 years के बीच में 40 रेट्स हम लेते हैं। थर्ड चीज़ है कि बच्चा बहुत सुस्त है, खाना पीना नहीं खा रहा है, निढाल पड़ा है, तो दैट्स ए साइन कि बेबी नीड्स एडमिशन। एंड फोर्थ जो कह रहा था कि SPOT मॉनिटरिंग, तो आज के दिन देखो सब हर घर में SPOT मॉनिटरिंग है, पर नॉर्मली बच्चों का 94 से ऊपर होना चाहिए, अगर 94 से कम है दैट मीन्स उसका ऑक्सीजन का मात्रा कम है। तो ये 4 or 5 चीज है, बेसिकली फास्ट ब्रीदिंग, परसिस्टेंस फीवर फॉर 4 or 5 डेज, डिक्रीज एक्टिविटी, डिक्रीज फीडिंग, लेथार्जी, एंड फोर्थ हो गया SPO2 लेस देन 94%। तो ये जो चारों चीज अगर है, दैट मीन्स द चाइल्ड हैज मॉडरेट टू सीवियर डिजीज, and this baby that means needs hospitalization and in hospital care. Otherwise, the majority babies, I'll say 97-98% babies will have mild symptoms and they will recover with supportive treatment. जी सर, ये एक से बात आजकल उठ रही है कि बच्चों से क्या COVID-19 स्प्रेड हो सकता है? करेक्ट है कि बच्चे इन्फेक्शन फैला सकते हैं, एंड देखा गया है कि इन बच्चों में अगर उनको कोविड होता है तो उनको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सब फॉलो करना डिफिकल्टी होती है। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मास्किंग, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन करना, तो बच्चों को हम इन जनरली हम बच्चों को हल्का कफ कोल्ड भी होता है तो हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाते, उसको साथ रखते हैं और बच्चा भी सबके साथ जाता रहता है एंड दे स्प्रेड इन्फेक्शन। इसमें और एक जो कॉमन सिनेरियो अभी हम जो देख रहे हैं कि समटाइम्स पेरेंट्स पॉजिटिव हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में हैं और बच्चे को भी सिम्टम्स हो रहा है या बच्चे को माइल्ड सिम्टम होके ठीक हो गया है, तो व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग, दे आर सेंडिंग द किड टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, सो दैट शुड बी अवॉइडेड, दैट शुड नॉट बी डन, बिकॉज देन द बेबीज कैन कैरी द इन्फेक्शन एंड दे कैन गिव इट टू ग्रैंड पेरेंट्स हु आर एट मच हायर रिस्क। जी सर,
of getting the infection. जी सर, सर लास्ट चीज हमें ये बताइए कि बच्चों को COVID-19 से कैसे प्रिवेंट किया जाए. तो प्रिवेंशन तो वही है कि हमें पहले अपने आप को बचाना है. अगर हम बच्चे रहेंगे, हम बचाव लेंगे तो बच्चे को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. सेकेंड चीज़ है कि जो हम ये बच्चे अभी जैसे बाहर पार्क में खेलने जा रहे हैं तो दूसरे बच्चों से मिलेंगे तो इन्फेक्शन कैच करेंगे. जो सबसे ज़रूरी बात है कि हम अगर बच्चों को कुछ भी सिम्टम्स होता है, थोड़ा सा भी माइल्ड सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो उसको घर से बाहर नहीं भेजना है. The baby should be then isolated or home quarantined for at least 10 to 14 days. Normally हम क्या करते हैं, बच्चे को हल्का फुल्का बुखार भी होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो मेडिसिन दे दिया, फिर उसको बोलते हैं जा आधा घंटा का बच्चा चला गया किसी और के पास, देन वो इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड करके आएगा. एंड जितनी जो मास्क और ये सब की बात हो रहा है, जिसे ये सब अननेसेसरी आउटिंग डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड. एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. समटाइम्स देखो ये बात भी कह जा रहा है कि बच्चों को घर में कितनी देर तक रखे हो, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ठीक है, दे हैव टू प्ले, दे हैव टू गो टू ए आइसोलेटेड एरिया, लाइक छत पे जा सकते हैं, घर पे उनके साथ प्ले कर सकते हैं. डेफिनेटली क्राउडेड प्लेस पे नहीं भेजना है. जो बड़े बच्चे हैं, मोर देन 5 ईयर्स बच्चे, दे कैन पुट मास्क व्हेनेवर दे आर गोइंग आउट. बेबीज बच्चे जो हैं, जो समटाइम्स दे कैन बी ट्रेंड इन हैंड हाइजीन, तो हाथ धोने में उनको ट्रेन किया जा सकता है. मेनी बच्चे वो लोग अच्छे से करेंगे भी. समटाइम्स एज एडल्ट्स वी आर मोर स्मार्टर एंड वी डू नॉट डू, बट किड्स दे कैन डू इट वेरी थोरोली. सो इफ यू कैन कल्टिवेट द कल्चर और ट्रेन देम एंड टॉट देम द बेनिफिट ऑफ हैंड हाइजीन, देन दे विल डू इट. सो हैंड हाइजीन, मास्किंग एंड प्रिवेंटिंग टू अननेसेसरी गोइंग आउट and preventing social gathering, these are the steps to prevent infection. जी सर, आई थिंक थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, इतना अच्छा सेशन आपने किया. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मेनी व्यूअर्स एंड मेनी किड्स आउट देयर. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू.